दोस्तों नमस्कार, स्टडी ओंकार चैनल में आप सभी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों मैं फिर से आप सबके सामने आज एक नए लर्निंग वीडियो के साथ। सो फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम फ्रेंड्स, आज 15 दिसंबर दिन गुरुवार है। गुरुवार के दिन फ्रेंड्स बैंक निफ्टी में वीकली एक्सपायरी होता है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको मालूम है वीकली एक्सपायरी के दिन काफ़ी बड़ा मोमेंटम होता है, प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से बढ़ता भी है और घटता भी है। तो आज के दिन फ्रेंड्स बैंक निफ्टी का लेवल हमने मॉर्निंग में आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया था। अगर आप उस लेवल पर ट्रेड किए होंगे तो आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। और साथ में फ्रेंड्स आज का जो मैंने ट्रेड लिया था मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, सारा डिटेल आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। सो उसके पहले फ्रेंड मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहूँगा, अगर आप नए अभी हमारे चैनल पे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे फ्रेंड्स आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहां पे देख पाएंगे, मैं टेलीग्राम चैनल पर आ चुका हूं। यहां पर फ्रेंड्स आप देख पाएंगे मॉर्निंग में 9:21 पे बैंक निफ्टी का लेवल हमने आपको शेयर कर दिया था। यहां पर फ्रेंड्स आप ऊपर डेट देख पाएंगे 15 दिसंबर और यहां पर फ्रेंड्स मैं आपको चार्ट पे क्लिक करके लेवल दिखा देता हूं। मैंने आपको मॉर्निंग में क्या दिया था तो यहां पर आप देख पाएंगे हमने आपको कॉल साइड के लिए लेवल दिया था फ्रेंड्स 44,049 के ब्रेकआउट पे, और हमारा जो टारगेट था यहां पर आप देख पाएंगे 44,104 का, और सेकंड टारगेट था हमारा 44,151 का। और पुट साइड के लिए फ्रेंड्स आप लेवल देख सकते हैं 43,977 के ब्रेकडाउन पे मैंने आपको पुट साइड का लेवल दिया था। हमारा जो टारगेट था पहला यहाँ पे 43,896 और दूसरा देखेंगे 43,850। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको दिखाता हूँ सेकंड चार्ट जो हमने आपको अपडेट दिया। यहाँ पर आप देख पाएंगे 9:26 पे ही फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर पहला टारगेट डन हो गया, बैंक निफ्टी फर्स्ट टारगेट डन करके मैंने आपको अपडेट दे दिया था। यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स एक ही कैंडल में टारगेट हो चुका है। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देख पाएंगे, मैं आपको तीसरा चार्ट यहाँ पर दिखाता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स आप देखेंगे यहाँ पर जब हमें पुट साइड के लिए एंट्री हमने जो लेवल दिया था आपको यहाँ पर और अपडेट कर दिया था पुट साइड का, देख पाएंगे आप 43,977 वाला ये हमारा ब्रेकडाउन का लेवल था। पहला टारगेट था हमारा 43,757 का, सेकंड टारगेट था 43,754 का, थर्ड टारगेट आप देख सकते हैं 43,628 का। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख पाएंगे मैंने आज जो ट्रेड बनाया था यहाँ पर बैंक निफ्टी, मैंने कॉल साइड एंट्री लिया था जिसमें मुझे 550 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने अपने ट्रेड को क्लोज कर दिया था क्योंकि मैं पार्ट टाइम काम करता हूँ फ्रेंड्स शेयर मार्केट में, मेरा जॉब भी रहता है तो इसलिए मैं फुल टाइम ट्रेड नहीं करता हूँ। प्रॉफिट आने के बाद मैं कोशिश करता हूँ कि जो प्रॉफिट मुझे हुआ है उसको घर लेकर के जाऊँ और उसके बाद मैं नेक्स्ट डे ट्रेड करूँगा या फिर कोई अच्छा सेटअप बनेगा तो प्रॉफिट में से रिस्क लेकर के करूँगा। तो आज के दिन फ्रेंड्स बैंक निफ्टी में जैसा कि सुबह आप देखेंगे मोमेंटम नहीं था, उसके बाद अचानक मोमेंटम हुआ तो उसके बाद फ्रेंड्स मैंने भी कोई भी पोजीशन नहीं बनाया। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा फिर से हमने आपको चार्ट में अपडेट दिया। यहाँ पर आप देख पाएंगे पुट साइड के लिए जब ये लेवल को ब्रेक कर रहा था तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख पाएंगे हमने आपको यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिए क्योंकि ये ट्रेंड लाइन फ्रेंड्स सपोर्ट का काम कर सकता था। यहाँ पर हमारा जो लेवल था वो तो ब्रेक हो चुका था बट ये ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट था जिसके ब्रेकडाउन पे हमने आपको पुट साइड के लिए एंट्री दिया। यहाँ पर देख पाएंगे एरो के माध्यम से और पहले वाला चार्ट आप देखेंगे तो आपको अंतर दिख जाएगा। और टारगेट हमारे सारे चीज़ें वही थी फ्रेंड्स, उसको हमने कोई भी चेंजेज नहीं किया बट हमारा यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन था ट्रेंड लाइन के कारण हमने आपको एंट्री इसके नीचे दिया एरो बना करके। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आप सभी लोगों को दिखाना चाहूँगा यहाँ पर आप देख पाएंगे 2:13 पे हमने आपको फिर से अपडेट दिया। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखेंगे जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ उसके बाद आप देखेंगे काफ़ी अच्छी खासी गिरावट हुई, हमारा पहला टारगेट डन हो गया 43,857 वाला। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा सेकंड टारगेट भी डन हो गया था 43,805 का जो हमने आपको बीच में एक दे दिया था 43,805 जो है एक सपोर्ट का काम कर सकता है। उसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स 43,754 का भी टारगेट डन हो गया तो काफ़ी अच्छी खासी गिरावट आई फ्रेंड्स सेकंड हाफ में बैंक निफ्टी में, अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। 2:37 पे भी फ्रेंड्स आप देखेंगे मैंने आपको चार्ट के माध्यम से अपडेट दिया। फिर यहाँ पर देख पाएंगे फ्रेंड्स मैंने आपको एक मैसेज दिया 2:43 पे कि बैंक निफ्टी में तगड़ा प्रॉफिट बुकिंग लग रहा है, थर्ड और फोर्थ टारगेट भी डन होने वाला है करके। यहाँ पर आप देख पाएंगे सेकंड टारगेट डन होने के बाद फ्रेंड्स हमारा जो थर्ड टारगेट था 43,628 का और यहाँ पर देखेंगे बैंक निफ्टी उस समय इस वाले लेवल को 43,754 को भी ब्रेकडाउन कर दिया था, हमने आपको अपडेट दिया। यहाँ पर फ्रेंड्स फिर से मैं नीचे ला करके आपको दिखाऊंगा तो आप देख पाएंगे 2:48 पे ही हमारा जो है
थर्ड टारगेट भी यहाँ पर देख पाएंगे, 43,628 वाला टारगेट डन हो गया। उसके बाद फ्रेंड यही नहीं, और भी नीचे काफ़ी गिरा है बैंक निफ्टी, यहाँ पर आप देख पाएंगे 2:59 में हमने आपको चार्ट शेयर किया। हमारा जो फोर्थ टारगेट था फ्रेंड 43,518 का, ये भी डन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आज हमारा पाँचवा टारगेट भी फ्रेंड डन हो गया। इतनी बड़ी गिरावट बैंक निफ्टी में देखने को मिला, जो कि पिछले एक दो हफ्ते से देखने को नहीं मिल रहा था। यहाँ पर फ्रेंड देख पाएंगे हमारा जो पाँचवा टारगेट था 43,378 का, और ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है फ्रेंड्स, क्योंकि ये चार्ट काफ़ी बड़ा हो जा रहा था, कैंडल बहुत छोटा छोटा आप लोगों को दिखता है, आपको अच्छे से चार्ट दिखे, इसलिए यहाँ पर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम यूज कर दिया हूँ। यहाँ पर आप देख पाएंगे टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, टारगेट 4, टारगेट 5, इस तरीके से टोटल मोमेंटम की बात करें फ्रेंड्स, आज के दिन में बैंक निफ्टी में लगभग 756 पॉइंट का यहाँ पर मोमेंटम हुआ है, जो कि काफी अच्छी खासी मोमेंटम हुई, जो कि पिछले कुछ दिनों से देखने को नहीं मिल रहा था। सो इसी के साथ फ्रेंड मैं आप सभी लोगों को भी बोलना चाहूंगा, आप भी चाहें तो स्टॉक मार्केट सीख करके एज ए पार्ट टाइम काम करके अपने जॉब बिजनेस को साथ में करते हुए काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं, बट उसके लिए फ्रेंड्स आपके पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से जाकर के आप एलआईएस ब्लू आप स्टॉक दोनों में से किसी में भी बिना किसी चार्ज के अपना पेपर ले डीमेट अकाउंट ओपन करके आप भी स्टॉक मार्केट सीख करके काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। सो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। सो मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।